वेलकम टू मिडिल ड्रॉ और उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया हाल में होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर आज का हमारा क्लास, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। इस वाले टॉपिक में पहले तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है कि क्या मैटर अपना स्टेट बदल सकता है, यानी कि अगर कोई मैटर लिक्विड स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, अगर कोई मैटर सॉलिड स्टेट में है तो क्या वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है या गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जो तुम्हारे घर पे जो पानी है उसको तुम ना पहले पानी को लेके जाके डिफ्रिज में रख दो, किसी भी एक बाउल या कहीं पे लेके जाके उसको डिफ्रिज में रख दो, फिर देखोगे वो पानी तुम्हारा क्या बन गया, आइस बन गया। देखो पानी लिक्विड स्टेट में था, आइस सॉलिड स्टेट में बना। अब उसी पानी को अगर तुम उबाल दोगे तो वो वेपर बन जाएगा, मतलब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो भाई इसका तो हमें एग्जांपल मिल गया कि कैन मैटर चेंज स्टेट, इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, जी हाँ बिल्कुल मैटर अपना स्टेट चेंज करता है। अच्छा, इस वाले एग्जाम्पल में हमने एक और चीज़ देखी कि हमारा जो पानी था उसको अगर, पानी किस में था, हमारा लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है, लिक्विड फॉर्म को अगर हमने थोड़ा सा हीट किया, उसमें हमने हीट दिया तो वो क्या बन गया, वो हमारा वेपर बन गया। और वेपर किस फॉर्म में है, हमारा वेपर हमारा है गैशियस फॉर्म में, ठीक है। और उससे लिक्विड को अगर हम थोड़ा सा ठंडा करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो सॉलिड बन जाएगा, वो आइस बन जाएगा। या इसको हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि अगर हम सॉलिड को थोड़ा सा गर्म करते हैं, यानी कि अगर आइस को तुम निकालोगे और थोड़ी देर बाहर रख दोगे, उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दोगे, तो वो क्या बन जाएगा, वो तुम्हारा लिक्विड बन जाएगा। यानी कि गैस को अगर, सॉलिड को अगर हम थोड़ा सा हीट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, हीट, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली अगर हम लिक्विड को कूल करेंगे तो वो सॉलिड बन जाएगा, जैसे हमने आइस के एग्जांपल में देखा था, है ना। और अगर गैस को भी कूल करेंगे तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। अच्छा, इसका एग्जांपल तुम ऐसे देख सकते हो, अगर तुम जैसे तुमने पानी उबालने के लिए रख दिया, वो वेपर बन के उठ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वो वेपर बन गया। अब उस उबलते हुए पानी के ऊपर तुम एक कंटेनर रख दो, मतलब उस कंटेनर को तुम और एक कंटेनर से ढक दो। जब तुम वो ऊपर वाला कंटेनर निकालोगे ना, तुम्हें उसके जो साइड है, उसके जो नीचे वाला सरफेस है, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे पानी के पार्टिकल्स मिलेंगे। वो क्यों हुआ, वो वेपर उठ रहा था, ठीक है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई था, वो तो उठ रहा था। अब जब वो उठ रहा था तो उसको प्लेट मिल गया, प्लेट का टेम्परेचर जो उसका एनवायरनमेंट था उसके टेम्परेचर से लो हो गया। अब जैसे ही लो हो गया तो वो क्या हो गया, तो उसको ठंडा एनवायरनमेंट मिला तो वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए तुम्हारा जो प्लेट है उसके नीचे वाले सरफेस में पानी रह गया, ठीक है। चलो, तो हमने क्या समझा, सॉलिड को अगर हीट करेंगे तो वो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो गैस बनेगा, और अगर लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा, और गैस को अगर कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा। अच्छा, अब टर्मिनोलॉजी समझते हैं थोड़ा सा हम, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसेस, गैसेस टू लिक्विड, एंड लिक्विड टू सॉलिड। तो इनको क्या बोलते हैं, देखो सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको सीधा सीधा हम बोल सकते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग, उस प्रोसेस को बोल सकते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। लिक्विड से जब गैस में बदल रहा है तो क्या बोल सकते हैं उसको, वेपराइजेशन। गैसेस से अगर लिक्विड में आ रहा है तो सिंपल सी बात है कंडेंसेशन, जो तुम बचपन से पढ़ रहे हो, ठीक है। और लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो सॉलिडिफिकेशन, शायद ये तुमने नहीं सुना होगा पहले, जान लो सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ये तो हो गए हमारे नॉर्मल चार टर्मिनोलॉजीज। अब देखो, अगर लिक्विड
लिक्विड हमेशा इंटरमीडिएट स्टेट होता है, यानी कि हमेशा सॉलिड मैक्सिमम टाइम सॉलिड पहले लिक्विड बनता है फिर गैस बनता है, या गैस पहले लिक्विड बनता है फिर सॉलिड बनता है. बट कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे लिक्विड वाला स्टेट इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में हम जा सकते हैं, गैस से सॉलिड स्टेट में हम जा सकते हैं. ठीक है, जैसे कि तुम नेपथलिन का एग्जाम्पल ले लो. नेपथलिन तुम्हारा जो छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट बॉल्स आते हैं ना, जिसको कपड़े बचाने के लिए रखते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है, पहले तुम्हें ऐसा वाइट वाइट दिखेगा, फिर एक साल बाद जाकर देखोगे वो दिखेगा ही नहीं, या 3-4 महीने बाद भी जाकर देखोगे वो दिखेगा ही नहीं. तो वो क्या होता है, वो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से वेपराइज हो जाता है. ठीक है, मतलब वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसीय स्टेट पर चला जाता है. क्योंकि अगर वो लिक्विड स्टेट पर जाता तो क्या होता, अगर वो लिक्विड स्टेट पर जाता तो हमारे जो कपड़े हैं वो गीले हो जाते, तो ख़राब हो जाता ना. तो ऐसा नहीं है, तो लिक्विड से सॉलिड में गए, सॉरी क्या बोलते हैं, गैसेस से अगर हम, हाँ सॉलिड से अगर गैसेस में गए तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, गैसेस से अगर हम सॉलिड में गए तो उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन. एंड इवन अगर हम सॉलिड से गैसेस में गए तो उसको भी हम बोलेंगे सब्लिमेशन. ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें सब्लिमेशन कहलाएगी, और ये दोनों ही बहुत रेयर प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत बहुत ही कम मैटर ये जो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी है वो शो करते हैं. बाकी ये जो चार है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, तुम्हें डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी. ये भी मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ नेपथिलिन. ओके, सो या इस वीडियो के लिए तो खैर इतना था. अब इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी आएगा कैडमेटल चेंजेस स्टेट में, तो उसमें हम फिर मिलते हैं फिर तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी फिर बोलूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा. सो या फिर उसमें एक्चुअली हम एक्सपेरिमेंट करके भी देखने वाले हैं, तो या तो मैं इसमें नहीं घुसाना चाह रही हूँ, वो हम नेक्स्ट अलग से करेंगे. तुम फ्रेश माइंड से आओगे, अच्छे से पढ़ोगे, तो इसका तुम बेसिक डेफिनेशन तक देख लेना, ये सभी पढ़ लो. आज तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, मैंने जो वीडियो बोला है बस वीढ़ियो देख लो, क्योंकि कल एक साथ तुम एनसीईआरटी पढ़ लेना, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए. बस वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो अभी यहाँ पे ख़त्म करके फिर कल और एक वीडियो में नेक्स्ट तुम्हारा जो भी पॉइंट्स बच गए हैं इसके वो हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखने वाले हैं. ठीक है, तो चलो यार इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर अपना ख्याल रखो. थैंक यू.